नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पारशर और स्वाति की पावन रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी आलू की सब्जी, वो भी बिल्कुल परंपरागत तरीके से, जैसे पहले बनती थी, हमारी दादी नानी बनाती थी, इस तरीके से बनाएंगे। उसमें कुछ ज़्यादा मसाले हमें कुछ नहीं डालना है, सिंपल सी सब्जी बनती है, क्योंकि मेथी का अपना एक अलग स्वाद होता है। तो ये देखिए, मैंने 400 ग्राम करीब मेथी ली थी और इसके पहले भी मैंने लहसुन, बिना लहसुन प्याज वाली जो मेथी बनाई थी उसमें मैंने बताया है कि इसको जल्दी से कैसे काटना है और कैसे इसको बीनना है और जल्दी जल्दी हमें इसे कैसे काटना है, जिससे कि काटने में आपको आलस ना आए और आप मेथी की सब्जी नियमित अपने घर पे बनाएं। तो ये देखिए, मैंने मेथी को धो लिया, अच्छे से छाट लिया और काट लिया है। और ये तीन आलू थे बड़े साइज़ के, ये भी मैंने काट लिए हैं इस तरीके से, इतने बड़े बड़े। और ये मसाले हैं जो इसमें लगेंगे, ये लहसुन है 10-12 कली जो मैंने बारीक काट ली, और ये 2 इंच टुकड़ा अदरक का था जो मैंने छोटे छोटे काट लिए। और तो ये जो है 4 हरी मिर्ची थी जो मैंने काट ली हैं। इसमें हरी मिर्च अच्छे से डाल दीजिए, अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो अच्छे से मिर्ची डालिए तो वो अच्छी लगती है भाजी। और ये लहसुन और बिना प्याज वाली सब्जी जो आपको देखना है वो देख सकते हैं आप, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में उसकी लिंक दे दूँगी मैं, आलू मेथी की सब्जी की। तो और ये देखिए, मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है ये, और थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच हमें लाल मिर्च लेना है। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, लाल मिर्च मत डालिए आप, इस क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च अच्छे से डाल दें तो। और 1 छोटा चम्मच जो पिसा धनिया है, और 1 छोटा चम्मच नमक है, और हल्दी बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून है, बिल्कुल देखिए थोड़ी सी डालना है हल्दी, और ये हींग है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे हमने, और गैस की जो फ्लेम है वो कम कर दी है, और 1 चम्मच जो है हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे हींग, और ये जो है जीरा डाल देंगे, जीरा भी हमारा चटकने लगा है। और अब हम ये लहसुन डाल देंगे, तो लहसुन भी हमने देखिए डाल दिया, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है लहसुन का। और अब हम ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। और ये देखिए, बस हमको थोड़ा सा ऐसा वो करना है, ज़्यादा हमको जलाना नहीं है लहसुन को, बस थोड़ा सा हरी मिर्च वो हो जाए सॉफ्ट सी, हो गया बस। और अब हम डाल देंगे इसमें ये हल्दी पाउडर। तो इस समय हमारी फ्लेम जो है वो लो है, और अब हम जो है ये लाल मिर्च, पिसा धनिया और नमक भी डाल देते हैं। बस थोड़ा सा इसको मिला दीजिए और तुरंत ही इसमें आलू डाल देंगे। बस इसे हमें अच्छे से 1-2 मिनट भूनना है आलू को, और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब और आप चाहें तो इसमें पिसा धनिया नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी बनती है सब्जी, क्योंकि इसमें मेथी का जो है बिल्कुल अलग स्वाद होता है। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करती है, ये वजन को भी कंट्रोल करती है। तो देखिए, अब हमने 1 मिनट इसको अच्छे से चला दिया है, और अब हम जो है बिल्कुल लो में फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के आलू को पकाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, और बीच बीच में मैं इसको चलाती रही हूँ, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे 10 मिनट तो जल जाएंगे आलू हमारे और कढ़ाई में नीचे लग जाएंगे। तो मैंने इसे चलाते रहा है, और ये आलू जो है हमारे, ये देखिए आराम से 80% करीब पक गए हैं ये। तो अब हम डाल देंगे मेथी इसमें, बाकी के जो 20-30% या 70% भी अगर आपके आलू रह गए तो आप मेथी डाल दीजिए, और बाकी जो है मेथी के साथ ये पक जाते हैं। अब इसको अच्छे से मिला दीजिए और फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से मिला दिया, और अब इसको ढक दीजिए और फ्लेम को लो ही रखना है आपको, क्योंकि सूखी सब्जी है जल्दी जल जाती है इसलिए। तो 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में, और मैं इसको बीच में चलाती भी रही हूँ, ये देखिए, और सब्जी हमारी पक गई है।
आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। और अब हमको थोड़ा सा बस 2 मिनट इसे खुले में पकाना है और ढकना नहीं है, जिससे थोड़ी सी भुंजी इससे टाइप की हो जाएगी सब्जी हमारी। रेडी। तो हमारी सब्जी अच्छे से खुले में भी अच्छे से भुंज गई है, ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आस पड़ोस में सभी जगह जा रही है इसकी खुशबू, और पड़ोस में भी पता चल जाता है कि मेथी आलू की सब्जी बनी है आज, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो हरा धनिया डाल दिया है हमने और गैस को हम कर देते हैं बंद और इसे मिला देते हैं। सब्जी हमारी तैयार है। तैयार है सब्जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।